हाय स्टूडेंट, वर्डप्रेस वेब डिजाइनिंग कोर्स रो आजिरो क्लास को आपन मानको स्वागत। तो या पूर्व क्लास रे आमे किभली भाबरे रे आमो कंप्यूटर रे सर्वर को सेटअप करिबा बा आमे जैम्प आ वाम्प को किभली इंस्टॉल करिबा आ ताको किभली सेटअप करिबा से विषय रे जानिथिले। तो आजिरो क्लास रे आमे वर्डप्रेस को किभली सेटअप करिबा, जो वर्डप्रेस रे आमे काम करिबा, से वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को आमे केमिति आमो लोकल सर्वर रे होस्ट करिबा, लोकल सर्वर रे केमिति इंस्टॉल करिबा, सेटअप करिबा, से विषय रे जानिबा। तो प्रथमे आमको वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर रे आवश्यक रहिबो, आमको फर्स्ट वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर दरकार। तो आमे फर्स्ट वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करनबा। तो एथि पई आपण आपणकर वेब ब्राउजर को ओपन कर नियंतु। वेब ब्राउजर को ओपन कर सारला पोर आपण गूगल सर्च बॉक्स को जाई कि सेठी टाइप कर नियंतु कोन ना डाउनलोड वर्डप्रेस, लिखि सारला पोर एंटर प्रेस करंतु। तो वर्तमान देखंतु एथि जो आपणको गूगल सर्च रिजल्ट जो आसला, एटी जो प्रथम आसी ना https://wordpress.org, ये हूँ वर्डप्रेस रो ओरिजिनल वेबसाइट। एमती तलू आहरी बहुत सारा अलग अलग वेबसाइट भी रही है, जमीक wordpress.en, सॉफ्टोनिक, बिटनामी, एमती बहुत सारा अलग अलग भी वेबसाइट अच्छी। तो आमको वर्डप्रेस वेबसाइट हिं डाउनलोड करार अच्छी। तो ये फास्ट लिंक मन रखु wordpress.org, तो ये क्लिक करूँ। ओके, तो यहाँ देखो वर्डप्रेस रो वेबसाइट ओपन हो जाए। तो टिके तल को स्क्रॉल कर नियंतु, देखो लिखी डाउनलोड वर्डप्रेस 5.7.2। तो ये हूँ वर्डप्रेस रो लेटेस्ट वर्जन। ओके, तो ये डाउनलोड वर्डप्रेस ऑप्शन ऊपर क्लिक करूँ। वर्तमान देखो आम वर्डप्रेस डाउनलोड स्टार्ट हो गला। तो ये किसी समय डाउनलोड हो एबे आमको कौन करिबार अछि ना, वर्डप्रेस तो आमे वर्तमान डाउनलोड करिनेले, ये वर्तमान आम कंप्यूटर रे डाउनलोड हो गला। एबे आमको आमर सर्वर को स्टार्ट करिबार अछि। तो मु आपनको कहितिली कि आमको सर्वर स्टार्ट करिबाकू हेले फास्ट आमे जो जैम्प रहउछि, जैम्प रो कंट्रोल पैनल को ओपन करिबाकू पड़िबो। तो एठी आपन स्टार्ट बटन रे सर्च करि परिबे नै, तो एठी जो सर्च बॉक्स अछि आपनकर आपनको कंप्यूटर रे जोठे सेठी आपन जैम्प टाइप कर नियंतु। देखंतु ऊपर लिखला जैम्प कंट्रोल पैनल, तो जैम्प कंट्रोल पैनल ऊपर हमें क्लिक करनबा। एमिती भी आपन ओपन करि परिबे किंबा आपन स्टार्ट बटन को जाई सेठी भी जैम्प को सर्च करके ओपन करि परिबे। एठी देखंतु जैम्प अछि, एठी भी आपन क्लिक करके जैम्प कंट्रोल पैनल को ओपन करि परिबे। ठीक अछि, तो वर्तमान देखंतु जैम्प रो कंट्रोल पैनल हम स्क्रीन ऊपर आसी जाई छी। मु आपन को कहितली कि जेतेबेला हमें जैम्प रे काम करबा, हमकु ई जो अपाची अछि आ माई एसक्यूएल अछि, ए दुटा को स्टार्ट करबाकू पड़िबो। तो चलंतु अपाची रो स्टार्ट बटन ऊपर क्लिक करनबा, देन माई एसक्यूएल रो स्टार्ट बटन ऊपर क्लिक करनबा। ओके, आ मु आपन को कहितली भी दुटा ग्रीन होबा दरकार, जदी ए दुटा ग्रीन नाही तबे आपन को सर्वर रेडी नाही काम पई। तो वर्तमान देखंतु ए दुईटी आमर ग्रीन हो गला, ता माने कोन ना आम सर्वर रेडी पूरा काम पई। ठीक अछि, तो वर्तमान आमको कोन करिवार अछि ना, देखंतु एठी जदि ए जो माई एसक्यूएल रहउछि, ए माई एसक्यूएल कोन ना सर्वर जेतले वेब रे सर्वर काम करे, दुईटा जिनस को काम करे, नैकि काम करे। गोटे होउछि कोन ना जोठी आमर डाटाबेस रुहे, डाटाबेस कोठी रुहे ना माई एसक्यूएल रे। ओके, आउ गोटे जगह आमर कंटेंट रुहे जोटा कि सर्वर रे। ठीक अछि, तो एठी देखंतु ए जो अपाची रो एडमिन अछि, ए एडमिन उपर क्लिक करला अपन डायरेक्ट अपाची रो एडमिन पेज रे पहुँच जाइ परिबे। एठी देखंतु अपाची रो जो जैम्प रो एडमिन पेज अछि सेठी आमे पहुँच गले। ठीक सेहि बळी जदि आपण जो तले माई एसक्यूएल रो जो एडमिन अछि एठी क्लिक करले, आमे माई एसक्यूएल रो भी पीएचपी माई एडमिन जो रहउछि तार एडमिन पेज रे पहुँच जिबा। तो वर्तमान आमर वर्डप्रेस डाउनलोड हो जाए, तो आम डाउनलोड फोल्डर को जीवा। देखु वर्डप्रेस आमर डाउनलोड हो जाए जिप फोल्डर में, प्रथम आपको एक्सट्राक्ट करनवा। तो या ऊपर राइट क्लिक करूँ, एक्सट्राक्ट फाइल ले क्लिक करूँ, ओके प्रेस करूँ। तो वर्तमान आमर वर्डप्रेस एक्सट्राक्ट हो गला। तो वर्तमान ये जो वर्डप्रेस फोल्डर को ओपन करवा, या भितर देखो वर्डप्रेस भितर आउ गोटे वर्डप्रेस फोल्डर अच्छी, आउ ता भितर सब जाक वर्डप्रेस रो कंटेंट अच्छी, सब फाइल अच्छी जो फाइल आमको रिक्वायर आसीबो। तो आमे ई समस्त फाइल को एठू कोन करबा ना कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करवा, तापर कंट्रोल सी कर देबा, कॉपी कर देबा। ओके, तो वर्तमान ए सब फाइल को लेकिन आमको रखिबार अच्छी कोठी ना आमर जैम्प रो सर्वर भितर। तो जैम्प को आम कौ ड्राइव रे इंस्टॉल करते पूर्व क्लास रे आपण मन थी, आम एच ड्राइव रे इंस्टॉल करते। तो वर्तमान आम एच ड्राइव को जीवा। ओके, तो एच ड्राइव रे क्लिक कर सारा वर्तमान देखो जैम्प फोल्डर आप देखिपे सर्वर फोल्डर, तो ताकू आम ओपन करवा। या भितर मुझे कि जिते बार आम सर्वर रो कौन काम कै से आम एच टी डक्स फाइल ले ही काम कै। तो ये देखो एच टी डक्स फाइल रही,
तो आकु ओपन करिबा। बर्तमान HTDocs भितर आम गोटे नुआ फोल्डर बनैवा, तो न्यू फोल्डर पर कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करें कि राइट क्लिक करके भी आपड़ न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। आपने जानते भल भाव फोल्डर केमी क्रिएट हुए। ओके तो ये फोल्डर ना आम गोटे देदेव, मुझ यार ना दूँ माई वर्डप्रेस, माई वर्डप्रेस। ओके लिखि सारापर एंटर करवा। ये फोल्डर ना कौन, ये फोल्डर नेम आपणकर काम कर गोटे गोटे डोमेन परिकी देखूँ। आम जितने मुझे पूर्व क्लास फास्ट रू कि वेब्रे जो वेबसाइट फिटौचे www.elearnersathi.com www.google.com www.amazon.com ठीक से हीपरी जितेबाला आम लोकाल सर्भर में काम करें HTDoc जो जैप सर्भर जो HTDoc फोल्डर अच्छी या भितर आमे जो नेम रे फोल्डर क्रिएट करके आम वेबसाइट को आणिकी रखे बा वर्डप्रेस को आणिकी रखे सेटा आमर डोमेन नेम भाया काम करे। तो ये मुझे माई वर्डप्रेस ना रे गोटे फोल्डर कर देली, या बर्तमान ओपन करवा आ भितर आम जो वर्डप्रेस रो फाइल सब कॉपी करते पेस्ट करदे कंट्रोल भी। ओके ये टिके टाइम लगे आपण कंप्यूटर स्पीड पर डिपेंड करे। ओके तो आमर समस्त फाइल बर्तमान आमर सर्भर भितर को जो लोकल सर्भर HTDoc भितर को कॉपी हो जाएगी। ओके तो एबे आमको वर्डप्रेस को सेटअप करिवार अछि। तो वर्डप्रेस को सेटअप करिवा पूर्वरु आमको आउ किछटा जिनस करिवार अछि। कोन ना आमको आमर जो माई एसक्यूएल अछि जो PHP माई एडमिन ता भितरे एक टेबल क्रिएट करिवार अछि। तो तापाई आमे कोन करिवा ना मु आपनु कहितली एबे किछि समय पूर्वरु कि माई एसक्यूएल को ओपन करिया कहले आमे जो आमर जैम रो कंट्रोल पैनल लउछि, जैम रो कंट्रोल पैनल रो जो माई एसक्यूएल रो जो रहउछि एडमिन ऑप्शन, ए एडमिन ऑप्शन रे क्लिक करिकि आमे आमर माई एसक्यूएल सर्वर बा PHP माई एडमिन को ओपन करि परिबा। देखंतु इये तो गोटे तरीका रहिला PHP माई एडमिन को ओपन करबा को कि आपन कंट्रोल पैनल को जिबे जैम रो आउ सेठी माई एसक्यूएल एडमिन ऑप्शन ऊपर क्लिक करेंगे। मुझे आउ गोटे ऑप्शन भी बताऊँगी ताको मुझे क्लोज कर नौ। देखो ये मुझे गूगल ने गोटे न्यू टैब ओपन करने ली। एटी बर्तमान मुझे कौन टाइप करी ना लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। ओके तो PHP माई एडमिन मुझे निजे टाइप करने ली तापर एंटर करने ली। देखो आम जो से ऑप्शन ऊपर भी क्लिक करते सेम एड्रेस ही ओपन होता। तो ये आम से एड्रेस को निजे भी टाइप करके PHP माई एडमिन बा माई एसक्यूएल जो सर्वर रोचे ताकु ओपन करिपारिबा। तो एबे आमर काम होउछि आमे गोटे न्यू डाटाबेस क्रिएट करिबा। डाटाबेस काहेकि ना मु आपन प्रथम रु कहिछि वर्डप्रेस डायनामिक वेबसाइट बनाए आउ से सब डाटा को डाटाबेस रे ही स्टोर करके रखिथाय। ठीक अछि तो एठी आमे न्यू ऑप्शन ऊपर जो लेफ्ट साइड रे आपन देखुछन न्यू ऑप्शन से न्यू ऑप्शन ऊपर क्लिक करिबा आउ एठी आमे आमर डाटाबेस रो गोटे ना दबा। तो मु डाटाबेस रो नाम भी सेम रखुछि माई वर्डप्रेस। देखंतु आपण डाटाबेस रो नेम किछि भी रखि पारंती। ओके किछि भी रखि पारंती। तो मु मोर रखिली माई वर्डप्रेस। या परे आउ कोनोसी जिनस को आपण चेंज करिवार नाही सिंपली क्रिएट ऑप्शन ऊपर क्लिक करंतु आम डाटाबेस क्रिएट होई गला। तो एबे चालंतु आमे हमर वर्डप्रेस को सेटअप करिवा। ठीक अछि तो वर्डप्रेस को केमि सेटअप करिवा आकु क्लोज करनबा। ओके पुनि थरे नुवा टैब गोटे ओपन करनबा। एठी हमकु कोन टाइप करिवार अछि ना लोकल होस्ट स्लैश माई वर्डप्रेस। माई वर्डप्रेस काहीकि आम माई वर्डप्रेस काहीकि टाइप कले ना देखु आम बर्तमान जो सर्भर भितर आमर जो नहीं कि वर्डप्रेस फाइल को रखिले आम कौ फोल्डर भितर रखिले ना माई वर्डप्रेस फोल्डर भितर। तो ये माई वर्डप्रेस फोल्डर आमर काम करुच्ची कौन ना वेब आड्रेस भली आम वेबसाइट रो जो आम वर्डप्रेस को होस्ट करे इनस्टल करे। तो से आम ये ओपन कले कौन ना लोकल होस्ट स्लैश माई वर्डप्रेस ये लिखि सारापर आप एंटर प्रेस करूँ। ओके तो फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस होस्ट इनस्टल हे तो टिके टाइम लगे। ओके बर्तमान वर्डप्रेस रो कॉन्फ़िगरेशन जो सेटअप कॉन्फ़िगरेशन रो प्रोसेस स्टार्ट हो गला। तो ये बर्तमान आमको फास्ट से पचारूँ लांगुएज चूज करने देखु ये हिंदी भी अच्छी उर्दू भी अच्छी और विभिन्न प्रकार लांगुएज अच्छी बट ये ओडिया अवेलेबल ना। तो आमको बाय डिफल्ट बेस्ट इंग्लिश। ठीक अच्छे तो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट सेमती भी बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होकर अच्छी। तो आपको सिलेक्ट करके सिंपली कंटिन्यू रे क्लिक करूँ। तो बर्तमान ये आपको कहे वेलकम टू वर्डप्रेस बिफोर गेटिंग स्टार्टेड वी नीड सम इनफॉर्मेशन ऑन द डाटाबेस यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम बिफोर प्रोसीड। सी कहे आप प्रोसीड करने पूर्व यही सब जिन आपखे डिटेल्स थी दरकार कौन ना डाटाबेस नेम डाटाबेस यूजर नेम डाटाबेस पासवर्ड डाटाबेस होस्ट टेबल प्रीफिक्स ये सब जिन आपरकार। तो ये से सब जिन पाखे अच्छी। ओके
ତ ଆମେ ଲେଟ୍ସ ଗୋ କରିବା, ତ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଲା ଡାଟାବେସ୍ ନେମ୍, ଏଠି ବାଏ ଡିଫଲ୍ଟ ସେ ୱାର୍ଡପ୍ରେସ୍ ଲେଖିଛି, ତ ଆମେ ଡାଟାବେସ୍ ନେମ୍ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେଥିବ, ଆମେ ଡାଟାବେସ୍ ନେମ୍ କ'ଣ ଦେଇଛେ, ମାଇ ୱାର୍ଡପ୍ରେସ୍। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଟାଇପ୍ କରିନେବା ମାଇ ୱାର୍ଡପ୍ରେସ୍। ଓକେ, ତ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁଜର୍ କ'ଣ ନା, ଆମେ ଯେଉଁ ଟେବଲ୍ ବନାଉଛେ, ଡାଟାବେସ୍ ବନାଉଛେ, ଆମେ ପ୍ରତି ଡାଟାବେସ୍ ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ବି ରଖିପାରିବା। ଯେମିତି ଆମେ ଆମ ମୋବାଇଲରେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ସେଟ୍ କରୁଛେ ଆମର, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡାଟାବେସ୍ ପାଇଁ ବି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆଉ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ସେଟ୍ କରିପାରିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ୟା ପାଇଁ କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ସେଟ୍ କରିନେ, ତ ବାଏ ଡିଫଲ୍ଟ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଲୋକାଲ ହୋଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଜାମ୍ପ ସର୍ଭର ରହୁଛି ବା ୱାମ୍ପ ସର୍ଭର ରହୁଛି, ଏମାନଙ୍କର ବାଏ ଡିଫଲ୍ଟ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ହେଉଛି ରୁଟ୍। ତ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିଦେବା ରୁଟ୍। ଓକେ, ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ ନା, ପାସୱାର୍ଡ଼ ଯେହେତୁ ଆମେ କିଛି ଦେଇନେ, ବାଏ ଡିଫଲ୍ଟ ପାସୱାର୍ଡ଼ କିଛି ସେଟ୍ ହୋଇନଥାଏ, ନିଲ୍ ଥାଏ, ତ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଘରକୁ ଆମେ ବ୍ଲାଙ୍କ ରଖିଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭରରେ କରିବା, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବା, ତ ଯାହା ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିବା ଏଠି ଆମେ ସେ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ ଟାଇପ୍ କରିବା। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଟାବେସ୍ର ଯେଉଁ ହୋଷ୍ଟ ରହିଲା, ୟାକୁ ଲୋକାଲ ହୋଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ଦେବା। ଇଏ ହେଉଛି ଟେବୁଲ୍ ପ୍ରିଫିକ୍ସ। ଇଏ କ'ଣ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡାଟାବେସ୍ରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ୱାର୍ଡପ୍ରେସ୍ ରନ୍ କରିବାକୁ, ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡପ୍ରେସ୍ କରିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଉପରେ କାମ କରିବା, କାଲି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ୱେବସାଇଟ୍ ଉପରେ କାମ କରିବା, ତ ପୁଣି ଥରେ ୱାର୍ଡପ୍ରେସ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ପାଇଁ ପୁଣି ଟେବୁଲ୍ ବନାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡାଟାବେସ୍ ବନାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଡାଟାବେସ୍ରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ୱାର୍ଡପ୍ରେସ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣ ତା'ର ଟେବୁଲ୍ ପ୍ରିଫିକ୍ସ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ନେମ୍ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ PHP ମାଇ ଆଡ଼ମିନ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଟେବୁଲ୍ ସବୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୟୁଜର୍ ଟେବୁଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମ ୟୁଜର୍ମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ରହିବ, ତ ସେଠି WP_ ୟୁଜର୍ ବୋଲି ଲେଖା ରହିବ ଟେବୁଲ୍ ନେମ୍। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଡାଟାବେସ୍ରେ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡପ୍ରେସ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ବି ଇଜି ହେବ। ତ ଆକୁ ଆମେ ବାଏ ଡିଫଲ୍ଟ ରହିବାକୁ ଦେବା, କୌଣସି ଚେଞ୍ଜ କରିବାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛି ଅଲ୍ ରାଇଟ୍, ସବୁକିଛି ଓକେ ହୋଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ ରନ୍ କରିପାରିବା ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ। ସବୁ ଡାଟା ଆମେ ଦେଇଦେଲେ, ତ ରନ୍ ଦ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ଉପରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ୱାର୍ଡପ୍ରେସ୍ ଆମକୁ କିଛିଟା ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗିଲା। କ'ଣ ମାଗିଲା ନା, ସାଇଟ୍ ଟାଇଟେଲ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ୱେବସାଇଟ୍ଟା, ତା ଟାଇଟେଲ୍ କ'ଣ ରହିବ, ଆମେ ଲେଖିଦେବା ମାଇ ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡପ୍ରେସ୍। ଓକେ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଥିଲି, ତଳେ ସଜେସନ୍ରେ ଆସିଯାଉଛି, ତ ମାଇ ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡପ୍ରେସ୍ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଦେବା, କିମ୍ବା ମୁଁ ଆକୁ କାଟିଦେଉଛି, ନାଇଁ ତ ଲେଖିଦେବା ଇ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ସାଥୀ, ଆପଣ କିଛି ବି ରଖିପାରିବେ। ଓକେ, ଇ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ସାଥୀ ୱାର୍ଡପ୍ରେସ୍, ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ଇ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ସାଥୀ ୱାର୍ଡପ୍ରେସ୍। ୟୁଜର୍ ନେମ୍, ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଆମର ରହିବ ୱେବସାଇଟ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ୱାର୍ଡପ୍ରେସ୍ର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍, ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ର ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିବ, ଆଉ ୱେବସାଇଟ୍କି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ୱାର୍ଡପ୍ରେସ୍ର ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ରହିବ। ତ ତାକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଦେବା, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏଠି ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଦେଇଦେଲି ଡେମୋ। ଓକେ, ପାସୱାର୍ଡ଼, ଦେଖନ୍ତୁ ବାଏ ଡିଫଲ୍ଟ ୱାର୍ଡପ୍ରେସ୍ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ସଜେଷ୍ଟ କରିଛି, ଇଏ ତ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପାସୱାର୍ଡ଼, ବଟ୍ ଆକୁ ମନେ ରଖିହେବନି, ଯେହେତୁ ଏବେ ଆମେ ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛେ, ଏତେ ବଡ଼ ପାସୱାର୍ଡ଼ କିଏ ମନେ ରଖିବ। ତ ଆକୁ ମୁଁ କାଟିଦେଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଡେମୋ 1, 2, 3 ଦେଇଦେଲି, ସେ କହୁଛି ଭେରି ୱିକ୍। ଓକେ, ମୋତେ ଏଇ ୱିକ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ହିଁ ରଖିବାର ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏଠି ରଖିଦେବି କନଫର୍ମ ୟୁଜ୍ ୱିକ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼। ଓକେ, ଏଇ ଅପସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ କନଫର୍ମ, କାହିଁକି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ୱେବସାଇଟ୍ କରିବେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ, କାହିଁକି ନା ନାଇଁ ତ ଅତି ସହଜରେ ୱେବସାଇଟ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଏ, କେହି ବି ଏଭଳି ଇଜି ପାସୱାର୍ଡ଼କୁ କ୍ରାକ୍ କରିଦେଇପାରିବ। ତ ଯେହେତୁ ଇଏ ଲୋକାଲ ସର୍ଭରରେ କାମ ହେଉଛି, ମୁଁ ସିମ୍ପଲି ଡେମୋ 1, 2, 3 ପାସୱାର୍ଡ଼ ରଖିଛି। ଓକେ, ତ ଏଠି ଆମକୁ ଆମର ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେବାର ଅଛି, ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ୱାର୍ଡପ୍ରେସ୍ରେ ବା ପାସୱାର୍ଡ଼ ରିସେଟ୍ ହେରିକା, ଏଇ ମେଲ୍ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଆମର ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେଉଛି elearnersathi@gmail.com। ଓକେ, ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବି କୌଣସି ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ଏଠି ପୁଟ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ୱାର୍ଡପ୍ରେସ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭିଜିବିଲିଟି, ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମର ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭିଜିବିଲିଟିଟା ବଢ଼ିଯିବ, ତ ଆକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ରଖିଲେ ବି ବେଟର୍। ଓକେ, ତ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ୱାର୍ଡପ୍ରେସ୍, ତ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ୱାର୍ଡପ୍ରେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ୱାର୍ଡପ୍ରେସ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଉଛି, ଏହାର ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ରେଡ଼ି ହେଉଛି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖିଦେଲା ସକ୍ସେସ୍, ୱାର୍ଡପ୍ରେସ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ।
ओके तो यूजर नेम डेमो पासवर्ड यू चूज पासवर्ड आम देखे तो बर्तमान आम लॉगिन करवा ठीक अच्छे लॉगिन रे क्लिक करूँ देखु ये आसीगला वार्डप्रेस रो लॉगिन आईडी जोटा कि आमको आमर वार्डप्रेस रो कंट्रोल पैनल को नहीं जीव ठीक अच्छे एठी आम आम वेबसाइट को कंट्रोल करवा तो ये आम आम यूजर नेम कौन देते डेमो पासवर्ड कौन देते डेमो 1 2 3 ओके ये रिमेम्बर मी भी जी आप क्लिक करेबे आपको बार बार आउ पासवर्ड हरिका देवा पड़ोन ठीक अच्छे तो रहा दिंतु एमती भी सिंपल पासवर्ड दे मन रिच्छ असुविधा ना ये भी आम मान माइंड विक् नुहे लगइन करनवा ऑल राइट देखु बर्तमान आमर वार्डप्रेस डैशबोर्ड ओपन हो गला बर्तमान ए डैशबोर्ड ही आमको सब कम कर टोटाल आमर जो वेबसाइट रोची से वेबसाइट की आम यू कंट्रोल करवा एठी आमे ताकू डिजाइन करवा कस्टमाइज करवा एक विभिन्न प्रकार ऑप्शन रोची होम अपडेट पोस्ट मीडिया पेज कमेंट अपीयरेंस प्लगइन यूजर टूल्स सेटिंग तो एमती बहुत सारा ऑप्शन रोची ठीक अच्छे एठी भी बहुत सारा जिनस रोचे कि जहाँ कि आम कस्टमाइज भी करें आम आवश्यक अनुसार सजाई पार तो नेक्स्ट क्लास आम एसबू विषय डिस्कस करवा बहुत भल भाव आज क्लास थिला पर्टिकुलर कि आम वार्डप्रेस को केमी सेटअप करवा इनस्टॉल करवा ओके तो मुझे आशा करुच्चे आपण मैंने आज क्लास टी भल भाव बुझीपारे वार्डप्रेस को प्रॉपर्ली आपण कंप्यूटर में इनस्टॉल करदे थे तो नेक्स्ट क्लास आम वार्डप्रेस डैशबोर्ड विषय में प्रॉपर जानवा आउपर आम धीरे धीरे वेबसाइट क्रिएटिंग शिखा ओके तो आपण वर्तमान वार्डप्रेस आप कंप्यूटर में इनस्टॉल हो गला आदि किसी डाउट रोचे आपड़ आमको पचारिपारे ठीक अच्छे किसी असुविधा नहीं तो ये तो आज क्लास वार्डप्रेस केमी इनस्टॉल करवा तो नेक्स्ट क्लास आम वार्डप्रेस डैशबोर्ड विषय इन डिटेल जानवा आउ वार्डप्रेस किसी कम करवा शिखा।